नाजरीन आदाब, मैं इम्तियाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय गीता फैशन एंड सिटी स्टाइल, को स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। तृणमूल उम्मीदवार मुनमुन सिंह की हिमायत में रेल पार में जलसा मुनक्किद हुआ। बेल तालाब और बैलागी तालाब में मीटिंग हुई। कोलकाता के मोहम्मद जसीमुद्दीन इसमें मुकर्रर खास की हैसियत से मौजूद थे। वजीर मलय घटक, अभिजीत घटक, गुलाम सरवर, वसीम उल हक इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। भाग गए आपके आंखों के सामने, तो आप चौकीदार कम मददगार ज्यादा हो। ललित मोदी भाग गया है, जितना मोदी था सब भाग गया, ये मोदी भी इलेक्शन के बाद भाग जाएगा। अरे भागना ही है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कागज के फूल से खुशबू आती है? हाँ, तो मैं कह रहा था हमको बोले जोशीन तू भाषण तब सुन भी मोदी जी, तो हम सही में भाषण सुन रहे हैं अभी उनका। मोदी जी अभी कुछ नहीं बोल रहे महंगाई के बारे में, पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में। बोलते क्या, हमारा देश का अर्थव्यवस्था बदतर हो गया है, हम आएंगे तो भारत का माशियत, जिसको उर्दू में बोलते हैं माशियत, इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, रुपये की कीमत कम हो गई है। और अभी आंकड़ा क्या बोल रहा है, मोदी जी के जमाने में रुपया का कीमत 58 रुपया था, अभी 67 रुपया हो गया है दादा, 58 रुपया था 14 में, अभी 67 रुपया हो गया। रुपया का कीमत और कम हो रहा है, मोदी जी फेल, नोटबंदी में फेल, जीएसटी में फेल, महंगाई में फेल, रोजगार देने में फेल। अच्छा रोजगार तो छोड़िए साहब, 45 साल में ऐसा नहीं हुआ जॉबलेस, 2,30,00,000 लोगों का रोजगार चला गया, जो काम करते थे वो काम से महरूम हो गए। अच्छा 2,30,00,000 का रोजगार गया, उसमें खोजो सब मुसलमान है क्या? मोदी जी कितना हिंदू भगत है, ये जो 2,30,00,000 लोगों का रोजी चला गया, खुदा की कसम इसमें से 2-4-5 लाख ही मुसलमान होगा, बाकी सबका सब जो हिंदू है। भूल भूल जी दादा, राम राम जपना पराया माल अपना, राम के नाम पर राज सिंहासन चाहते हैं। अरे अभी छोड़ो, राम राम की बात तो अभी नहीं कर पा रहे, अभी मोदी जी कुछ नहीं कह पा रहे, क्यों? क्योंकि देश की जनता गाना गा रही, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, है ना। अब जब लोग गाना गा रहे, क्या हुआ। अलजारा और स्टाइल फैशन के बीच रहमत नगर मैदान में आरपीएल लीग का फाइनल मैच खेला गया। अलजारा ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लगान क्लब की जानिब से मुनक्किदा इस टूर्नामेंट में साबिक एमएलए सोहराब अली, अहमदुल्ला खान, सैयद इकबाल, मोहम्मद शम्स व दीगर लोग मौजूद थे। जीतने वाली टीम को 20,000 और रनर टीम को 12,000 रुपए बतौर इनाम पेश किए गए। नाजरीन, खबर आसनसोल में वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। क्या आप इलेक्ट्रिक समस्या से जूझ रहे हैं और लाख कोशिश के बावजूद इलेक्ट्रीशियनों की टाल बहाना सहना पड़ रहा है? तो फिर चिंता न करें, आपके शहर में इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस सर्विस है ना।
मात्र एक घंटे के अंदर दे आपको उच्च क्वालिटी के सर्विसेज व भी सस्ते दरों में। यदि आप 12 घंटे इलेक्ट्रिक सर्विस पाना चाहते हैं तो इसके लिए मंथली पैकेज की सुविधा भी उपलब्ध है। घर, व्यवसाय या कारखाने के लिए बाजार से सस्ते दरों में इलेक्ट्रिक सर्विस उपलब्ध करा रही है इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस सर्विस। बस एक कॉल करें और घंटे भर में आपकी सेवा में हाजिर है हमारे इलेक्ट्रिशियन। कॉल करें 7718366175 पर। इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस सर्विस, अपोजिट हाटन रोड मस्जिद, आसनसोल। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती धीरे धीरे तपती जा रही है और कई जानलेवा बीमारियों से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। आज पूरा विश्व ही प्रदूषित वातावरण के कारण दिन प्रतिदिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रण ले अपनी आसनसोल को इस खतरे से बचाएं। आसनसोल नगर निगम की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी दुकानदार, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता या होकर पॉलिथीन या प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम इलाके में पॉलिथीन या प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, भंडारण, बाहर से मंगवाना, बेचना एवं परिवहन करने पर पूर्णतः रोक है। मात्र 50 से ज्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक व पॉलिथीन ही व्यवहार में लाएं। अपने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी रखें ख्याल। सार्वजनिक स्थानों पर पान, मसाला, गुटखा, धूम्रपान व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम प्रशासन की ओर से आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आसनसोल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें। तालाब, नदी एवं नालियों में कचरा ना फेंकें। कूड़ा कचरा निर्दिष्ट कूड़ेदान में ही फेंकें और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर प्रण ले क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। एक तो ठंड, ऊपर से शादी विवाह का मौसम, करनी है ढेर सारी खरीदारी पर कहाँ। वैसे तो बाजार में ढेर सारे कपड़ों की दुकान है किंतु सिटी स्टाइल की बात ही कुछ निराली है। हाँ जी, पूरे शहर का स्टाइल सिटी स्टाइल। अब आसनसोल में भी आकर्षक उपहारों की बहार के साथ ऑफरों की भरमार। मात्र 130 रुपए में लेडीज कुर्ती, 400 रुपए में सलवार सूट, 600 रुपए में जींस खरीदे या 250 रुपए में टी शर्ट, वो भी एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। बॉय जींस 400 रुपए में, गर्ल्स टॉप 150 रुपए, साथ में है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। इतना ही नहीं, विंटर कलेक्शन पर पाए 30% तक की आकर्षक छूट और 300 रुपए की खरीदारी के ऊपर आपको मिलेंगे लकी कूपन, जिसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार। सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड, जीटी रोड, आसनसोल। नाउ कीता फैशन सेलिब्रेट चैत्र होइचोय। चैत्र सेल के मौके पर अधिकांश वस्त्रों की खरीदारी पर पाएं फ्लैट 50% का आकर्षक छूट। साथ ही है साप्ताहिक ड्रॉ जहां आप जीत सकते हैं कैसरोल, रिस्ट वॉच, मिक्सर ग्राइंडर, 22 इंच लगेज ट्रॉली बैग या रेडमी 6A। इसके अलावा मेगा ड्रॉ में जीते बजाज V15 बाइक। इतना ही नहीं, है और भी बहुत कुछ। आज ही आए कीता फैशन द फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर। Vivo, Oppo, Xiaomi, Samsung, Nokia, Apple जैसे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए SK Infocom में। SK Infocom, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इन्फोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना SK Infocom, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। SK Infocom, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, MC रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। फैशन प्लाजा, फैशन प्लाजा बिगेस्ट इमिटेशन ज्वेलरी एंड फैशन मेकअप शॉप इन आसनसोल।
फैशन प्लाजा आसनसोल गैलेक्सी मॉल में खवातीन और नई नवेली दुल्हन की ज़ेबाइश और आराइश के सामान का वाहिद मरकज, किफायती और बेश कीमती मसनुआत का संगम, जहां चूड़ियां, नेकलेस, इयररिंग, घड़ी, पर्स, बैग, चश्मा, परफ्यूम के साथ साथ दिगर इमिटेशन और कॉस्मेटिक ज्वेलरी दस्तयाब है। तो देर किस बात की, आज ही आइए फैशन प्लाजा, थर्ड फ्लोर गैलेक्सी मॉल। आसनसोल रेल पार्क के रामकृष्ण नेगाल इलाके में तिनमूल का बैनर फाड़ दिया गया। खबर मिलते ही इलाके में इश्तेहाल का माहौल पैदा हो गया। मुकामी तिनमूल रहनुमाओं का कहना है कि तिनमूल की कामयाबी कुछ लोगों को खटक रही है। आसनसोल शुमाली थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बाबू जाओ तिनमूल का इतना जोर है। हम लोगों ने जो सेवा कार्य किया, हमारी ममता बनर्जी जो सेवा कार्य किया, पश्चिम बंगाल के मान सम्मान को गौरव को बढ़ाया, यूनाइटेड नेशन ने इसका सम्मान किया। इसको देखते जब विपक्षी अपनी हार के डर से इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। आज 1973 से मैं यहाँ सक्रिय राजनीति में हूँ। आज तक मेरे जीवन में ऐसा कुछ इस रामकृष्ण नेगाल में नहीं हुआ। इसलिए यहाँ की जनता से मेरी अपील है कि इसका जवाब जनता दे और 29 अप्रैल को एक भी वोट विपक्ष को करो तो जिन्होंने इतनी गंदी हरकत की है, मानवता के खिलाफ, राजनीति के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ कदम है और इसका विरोध जनता करे और एक भी वोट उनको न दे। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इंफोकॉम कोहिनूर अपार्टमेंट। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल इसी वक्त इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।